दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को एम्स में कराया गया भर्ती। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कोरोना से जंग जीती थी, सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें कराया गया है भर्ती। बता दें आपको कि मीडिया रिपोर्ट से एक खबर आई है कि दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कोरोना से जंग जीती थी और अब सांस लेने में तकलीफ की वजह से उन्हें भर्ती कराया गया है एम्स में। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने कोरोना से जंग जीती थी और वापस घर लौटे थे। और हाल ही में आपको बता दें कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, 4 दिन पहले ही वो डिस्चार्ज हुए थे और आज सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से वो फिर से एम्स में भर्ती हुए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया है और कुछ दिन पहले ही उन्होंने कोरोना को मात दी थी और घर 4 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे और सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया है। साथ में बता दें आपको कि 4 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह डिस्चार्ज हुए थे, कोरोना को मात देकर वापस लौटे थे और 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण भी किया था उन्होंने। दिल्ली से उस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और 4 दिन पहले ही उन्होंने कोरोना को मात दी थी और वापस अपने घर लौटे थे, लेकिन सांस लेने में तकलीफ के चलते आज उन्हें फिर भर्ती कराया गया है एम्स में। और बता दें आपको कि 15 अगस्त के दिन उन्होंने ध्वजारोहण भी किया था और आज सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से उन्हें भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती हैं, सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें भर्ती कराया गया है। कुछ दिन पहले ही कोरोना को मात देकर वापस लौटे हैं गृह मंत्री अमित शाह, 15 अगस्त को ध्वजारोहण भी किया और हाल में उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें फिर से भर्ती कराया गया है एम्स में। 4 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे, कोरोना को मात दी थी और आज सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से फिर से उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। 15 अगस्त के दिन उन्होंने ध्वजारोहण भी किया था। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया है। कुछ दिन पहले ही कोरोना से जीती थी जंग, 4 दिन पहले हुए थे डिस्चार्ज, 15 अगस्त को किया था ध्वजारोहण और आज सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। और